देखिए हिंदुस्तान वीरों की धरती है, यह वीरों की धरती है कि उसको हाथ छुपा नहीं करता है, सर कर सकता है लेकिन छुप नहीं सकता है, जिसकी तमन्ना है दबा न्याय से टकरा सकता है, लेकिन वो क्या लड़ेगा मुझसे, कोई बच्चा है बताओ वो क्या लड़ेगा, ये लड़ेगा मुझसे। सुनते ही दंगल पाने का कष्ट, रविंद्र हाथ मिला देने के लिए इसी गांव का इंजीनियर अशोक यादव और अवधेश ठाकुर, आप दोनों आपको मिल करके दोनों इंजीनियर साथ में आकर के इन दोनों का हाथ मिला दीजिए। देखिए बाबा की आवाज सुनकर इधर छूट के चला गया तुम्हारा नेपाल का पहलवान, एक बाबा नायक है, जब अखाड़े पर चढ़ जाते हैं अच्छे अच्छे की हवा बंद हो जाती है। ठीक है, आप लोग एक फिल्मी दुनिया में देखा होगा बाबा नायक को, मेरा छोटा बड़ा भाई है, और एक कुश्ती दुनिया में बड़ा बाबा नायक, जिसकी तमन्ना है बाबा नायक से टकरा सकता है, तुम्हारा नेपाल का सिर भर गया। तो मैं बाबा नायक से यही कहना चाहूंगा कि आपको इस नेपाल के धरती पर आपके मैं आयोजक कमेटी आपको स्वागत करता हूं, लेकिन मैं एक भी ये बताना भी मनाती समझता हूं कि कल ही आपको इंडिया के पहलवान जो नेपाली पहलवान को चैलेंज किए थे, तो ये तो समय ही बतला गया कि कौन किसको भारी पड़ता है, ये तो समय और सारे देश भी देखेंगे। आपको चैलेंज सुनकर क्या करते हैं हम लोग तो देखते हैं कि ये नेपाली पहलवान आपको स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन ये जो है आप लोगों को ये तो समय ही बता रहेंगे। और मैं नेपाली पहलवान हरिहर थापा से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया आप इस दंगल पर आने का कष्ट कीजिए। हरिहर थापा से आपको हरिहर थापा जहां के भी है कृपया इस दंगल पर आने का कष्ट करें। और चलो इस दोनों फिर भी आपसे सहमत हूं, लेकिन कल इसी तरह आपके ही भारत के पहलवान ने चैलेंज किया था, उसको उसको कल तो निर्णय नहीं हुआ, लेकिन वो नेपाली पहलवान जो आज उसको इस धरती नेपाल के मिट्टी पर उसको हावी होकर के उसे पराजित कर दिया, तो आपको निमंत्रणा के स्वीकार करते हैं, नेपाली पहलवान आपके सामने उपस्थित हैं, तो इसके बाद निर्णय तो देखा जाएगा, तो आपके सामने आमने सामने होंगे, उसके बाद यहाँ के दर्शक और यहाँ के रेफरी दोनों ही निर्णय करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। हम आयोजक कमेटी चाहे नेपाल के हैं चाहे इंडिया के हैं, दोनों के लिए बराबर है हम लोग। देखिए ठीक है, आप लोग सोचते हो कितने लड़ेगा बाबा नायक से, तो मेरा भी एक शर्त है, अगर मेरे चेले को मार लेगा तो मैं कुछ यार पर लड़ूंगा, अगर नेपाल में हिम्मत है तो आज टकरा सकता है, अरे मैं कुछ चेले से हेलो, अगर इसको मार लेगा तो मैं 1000 रुपये अपने तरफ से बेचूंगा, अगर इसको मार लेगा मैं 1000 लूंगा, 1000 लूंगा अपने तरफ।
रुपया तो थप्पा भाई ले ले, उसने थप्पा ने कहा जो 2000 रुपया लाइए, ठीक है कमेटी की तरफ से 1100 रुपया हम देते हैं, चलिए आइए लड़िए।